हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारा 9th क्लास का मोशन चैप्टर चल रहा था, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, इन सभी के बारे में पढ़ा था और एक्सीलरेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो हम अपना आज का अगला टॉपिक देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स, देखिए ग्राफ्स 3 टाइप्स के होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्सटी बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्सटी बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को VT से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को AT से। अब देखिए ग्राफ वाले सिस्टम में क्या होता है, ग्राफ ऐसे होता है कुछ, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस पे वही कंपोनेंट आएगा जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इन तीनों में देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट है, क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई एक्सिस पे हमारा एक्स, पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्स आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वी आ जाएगा और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में ए आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो है टाइम, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वी और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में हम ए ले लेंगे। इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस करते हैं हमारा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। तो देखिए मान लीजिए ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ए है 2 मीटर की दूरी पर पड़ा है, यहाँ से ये ओ रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है ए जो 2 मीटर डिस्टेंस पर है, ये 1 सेकंड में मान लीजिए। अब देखिए ये कई देर से रेस्ट पे ही पड़ा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इसके रिलेटिव अपना पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा, पोजीशन टाइम मान लीजिए 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 0। देखिए एक बार कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, टाइम और एक्स, पोजीशन और टाइम। टाइम 0 सेकंड थी, तब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, 2 मीटर के डिस्टेंस पे था। जब हमारा टाइम 0 सेकंड्स था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, 2 मीटर के डिस्टेंस पे था। अगली 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्या ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की, नहीं, तो वो कहाँ पे है, रेस्ट पे पड़ा है, वो तब भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे था। जब टाइम 2 सेकंड हुआ वो तब भी 2 मीटर के डिस्टेंस पर था। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या बोलते हैं उसे, रेस्ट पर है या फिर वो क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो उसके रिगार्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं अपना, 0 सेकंड्स पर क्या था, 2 मीटर के डिस्टेंस पर था ऑब्जेक्ट। टाइम जब हमने 1 सेकंड लिया तब भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे था ऑब्जेक्ट। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी ऑब्जेक्ट क्या था, 2 मीटर के डिस्टेंस पर था। ये था अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, क्या उसकी वेलोसिटी उसकी क्या है, 0। ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0। वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सीलरेशन भी ज़ीरो। कई देर से इसी जगह पर है, मूव नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी कहाँ से होगी, क्या होगी, ज़ीरो। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 1 सेकेंड मान लीजिए, 2 सेकेंड मान लीजिए, 0, 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या है वेलोसिटी, क्या है, ज़ीरो। 1 सेकेंड में भी वो यहीं पर था ऑब्जेक्ट, 2 सेकेंड में भी रेस्ट पर है वो, क्या है, ये टाइम के ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ज़ीरो है वेलोसिटी, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो। 2 सेकेंड में भी ज़ीरो पे था, 1 सेकेंड में भी ज़ीरो पर था, तो ये क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसी तरीके से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में भी 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ था, ज़ीरो पोजीशन पर, और 2 सेकेंड में भी क्या था, ज़ीरो पोजीशन पर। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, रेस्ट पर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रेस्ट पर मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखिए सेकंड केस, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, यूनिफॉर्म मीन्स स्पीड क्या होती है, इसमें पिछले लेक्चर में बताया था स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है इसमें, कांस्टेंट। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है इसमें स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। एग्जांपल देखते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट ओ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ। टाइम देखिए 1 सेकंड था यहाँ पर, यहाँ पर 2 सेकंड, 3 सेकंड। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो, 2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना भी हो वो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड। तो एक बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही देख लेते हैं अपना, 0 पर 1 सेकंड, 2 सेकंड्स, यहाँ पर मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए 1 सेकंड पे ये 1 सेकंड में इसने 2 मीटर की दूरी तय की, अगली सेकंड में फिर 2 मीटर की, और अगली उससे अगली सेकंड में फिर से 2 मीटर की। तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं अपना। 1 सेकंड में 2 मीटर की, 2 सेकंड्स में क्या हो गई वो, 4 मीटर की, और अगले 3 सेकंड्स में क्या हो गया, 6 मीटर्स की। फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर, अगले 2 सेकंड्स में क्या हो गई, 4 मीटर, और आगे चलते जाएंगे यहाँ पर 6 मीटर। ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल लीजिए। नेक्स्ट क्या रहेगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, फाइनल और इनिशियल स्पीड उसकी सेम ही है, तो क्या लेते हैं हम एक्सीलरेशन में, v माइनस यू। क्या लेते हैं एक्सीलरेशन में, v माइनस यू। u इज इक्वल्स टू वी, क्या है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी, कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। 2 माइनस 2, 0, एक्सीलरेशन क्या आ गई, 0। 0 सेकंड्स, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 सेकंड्स पे यहीं पर ये एक्सीलरेशन क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर 1 सेकंड पे भी 0 पे और 2 सेकंड पे भी 0 पर। ये क्या है अपना यूनिफॉर्म मोशन सेकंड केस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट अब क्या है, ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है, एक कार चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। क्या चल रही है, कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। तो देखिए हर सेकंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। 0 सेकंड्स में क्या थी, 2 मीटर में। मान लीजिए 1 सेकंड में क्या थी, 2 मीटर पर। अगले 2 सेकंड्स में 2 मीटर। तो हर सेकंड में 2 मीटर ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब देखिए, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी, हर टाइम में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड ऐड होती जाएगी। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। देखिए 0 सेकंड था टाइम, तो क्या थी, हर सेकंड में 2 मीटर ऐड होती जाएगी। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। हर सेकंड में क्या है, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसमें ऐड होती जाएगी। 0 पर क्या था, 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में क्या था, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। और 2 सेकंड हुए तब क्या था, 4 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड ऐड होती जाएगी। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कितना भी है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे है। कितनी पे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वन सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर था तब भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 पर भी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। ये था एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। उसी तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ देखिए, हर सेकंड में वो 2 मीटर आगे आगे चलता जा रहा है। तो क्या उस तरीके से स्लोप इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी 2 मीटर, फिर क्या हुआ 4 मीटर, आगे 6 मीटर, ऐसे क्या इसी तरीके से क्या होगा, अपना स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कितने केसेस किए हमने, 3 केसेस। क्या था, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्या किया, 3 केसेस में किए हैं। फर्स्ट था रेस्ट पर था हमारा ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट क्या था, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, पिछले लेक्चर में बताया था। इसके रिगार्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और थर्ड केस क्या था, मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन थी, कोई मान लीजिए कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से चल रही है। उसके रिगार्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट देखिए हमारा इक्वेशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं 3 इक्वेशंस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आएंगे अपने। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v = u + at। v, u ये क्या है, देखिए एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, u। वो एक्सीलरेट होके फाइनल वेलोसिटी v पे पहुंच गया। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं। और इसके रिगार्डिंग टाइम जो लगा है वो है टी सेकेंड्स मान लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या है एस। तो देखिए यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम रिक्वायर्ड, और इसी तरीके से एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो देखिए थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट क्या है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको डेराइव करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये क्या है हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन है जो और इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। एक चीज़ रह गई देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, यहाँ पर क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देख लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर क्या है टाइम। अब देखिए इसका मतलब क्या है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ये कौन सा केस है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यहाँ पर क्या है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर जाके कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी, क्या हो गई कांस्टेंट। तो ये था यूनिफॉर्म मोशन वाला केस था, जीरो एक्सीलरेशन। और यहाँ पर क्या है वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ पर क्या है वेलोसिटी देखिए डिक्रीज होती जा रही है यहाँ पर। तो ये क्या है नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये क्या है नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो देखिए एक चीज़ और, जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। ये जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, ये जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, इससे हम क्या निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे अपने आगे, ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इसके अंडर जो एरिया है उससे हम क्या निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, किससे निकाल सकते हैं जो वी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा उससे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये वेलोसिटी और ये क्या है हमारा टाइम। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से जो इसके अंडर जो एरिया आएगा उससे हम क्या निकाल सकते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी डेरिवेशन करेंगे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन और इनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।